पीएनबी मेटलाइफ जेबीसी बूट कैंप में आपका स्वागत है। बैडमिंटन एक फुटवर्क का गेम है। जिस प्लेयर का फुटवर्क बहुत अच्छा होता है उनके लिए बैडमिंटन बहुत आसान गेम हो जाता है। आपने लीजेंड ली चोंग वी को खेलते हुए देखा है? जब वो खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोर्ट पे वॉक कर रहे हैं। तो आइए फुटवर्क के बारे में और जानते हैं, कुछ प्लेयर के लिए ये कैसे नेचुरल है और दूसरों को कैसे सिखाया जा सकता है। इसके बारे में हम बात करेंगे ओलंपियन और अर्जुन अवार्डी अनूप श्रीधर से। अनूप, स्वागत है आपका। हेलो। क्या फुटवर्क कुछ प्लेयर के पास नेचुरल होता है और कुछ के पास नहीं? वो क्या है, फुटवर्क के लिए भी अनुशासन होना हमेशा जरूरी है। इसका सबसे जरूरी हिस्सा है शटल तक पहुंचना, संतुलन बनाए रखना और जितनी जल्दी हो सके कोर्ट के बीच में वापस जाना। ये चीज प्लेयर्स को सिखानी जरूरी है, चाहे वो कितने भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो। मेरा मतलब है कि आपको रैकेट बीच में ऊपर रखना है और सामने से बाहर रखना है। इसे साइड में या सामने और नीचे रखना सही नहीं होगा। हाँ, जब तक रैकेट ऊपर नहीं आएगा टाइम बर्बाद होगा। बिल्कुल। अगर आप अपने बॉडी के बीच में रखते हैं तो इजी होगा शॉट। एकदम सही। ये शटल से सेंटर और फ्रंट की सबसे कम दूरी होगी, इसीलिए हर हाल में आपको रैकेट हमेशा ऊपर और सामने से बाहर रखना है। तो क्यों ना आप हमें डेमोंस्ट्रेट करके दिखाएं कि फुटवर्क क्या होता है। जरूर। सबसे पहले मैं सही तरीके से रैकेट को पकड़ना दिखाऊंगा। मैंने पहले भी बताया कि रैकेट को ऊपर और सामने से बाहर की तरफ रखना है और खुद को भी कोर्ट के बीच में रखना है। क्राउच पोजीशन होना चाहिए और जहां तक हो सके टोस पर रहना है। मैं आपको कोर्ट के फ्रंट और कोर्ट के बैक वाले मूवमेंट्स भी दिखाऊंगा। तो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे मैंने रैकेट को ऊपर और सामने से बाहर की तरफ पकड़ा है और क्राउच होकर बीच में रहना है। इस तरह से आपको अपना बेस कोर्ट में रखना चाहिए, आपको टोस पर रहना है, क्राउच होकर और रैकेट को ऊपर और सामने से बाहर की तरफ रखना है। अब मैं आपको दो मूवमेंट्स दिखाने जा रहा हूं, पहला कोर्ट के सामने और दूसरा कोर्ट के पीछे। स्ट्रोक खेलने के बाद भी आपको ध्यान रखना है कि रैकेट फिर से सेंटर में हो, ऊपर और सामने से बाहर की तरफ हो। अब मैं आपको कोर्ट के सामने की तरफ का फुटवर्क दिखाऊंगा। अब आप फुटवर्क के बारे में जान गए हैं। एक अच्छे फुटवर्क में सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले आप कोर्ट के बीच में खड़े रहें, रैकेट की पोजीशन बाहर हो, ताकि शटल तक पहुंचना आसान हो। हमें ये समझना है कि बैडमिंटन एक बहुत फास्ट गेम है जहां रिएक्शन टाइम बहुत कम है, और जब रैकेट की पोजीशन ऊपर होगी तभी आप शटल तक आसानी से पहुंचेंगे। ये बहुत जरूरी है। दूसरी जरूरी बात है कि टॉल प्लेयर जमीन की तरफ क्राउच पोजीशन में रहें, अगर शटल नीचे से आ रही है तो उस तक पहुंचना आसान हो। ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी हो सकती है ओपोनेंट की आपके खिलाफ। शॉर्टर प्लेयर ये बहुत जल्दी खेल सकते हैं। दूसरी जरूरी बात है नेट पर आपकी छलांग। एक स्टेप में आपको राइट पैर बाहर लाना है, रैकेट को अपने कंधे के लेवल तक रखना है ताकि आप शटल तक पहुंचे। लेफ्ट हैंडर को अपना लेफ्ट पैर बाहर लाना है और रैकेट को कंधे के लेवल तक रखना है। इस तरह शटल को पकड़ना आसान होगा और ये आपको डिफरेंट स्ट्रोक खेलने में मदद करेगा जो आप खेलना चाहते हैं। बेस लाइन पर छलांग लगाकर शटल को पकड़ना है सबसे हाई पोजीशन पर, और इस तरह आप बहुत से स्ट्रोक खेल सकते हैं जहां आप अपने ओपोनेंट को जल्दी पकड़ सकते हैं। होप आपने पीएनबी मेटलाइफ जेबीसी बूट कैंप को सब्सक्राइब कर लिया होगा। लाइक, शेयर और कमेंट करें और इस स्पेस को देखते रहें बैडमिंटन के टिप्स और टेक्निक्स के लिए। मिलकर लाइफ आगे बढ़ाएं।